हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा था थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नंबर 9, उसके अंदर हमने बहुत सारी एंथैल्पीज का डिस्कशन किया था। मैं आपको दिखा ही देती हूँ, तो एटलीस्ट आप उसको, अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लें उसे भी। रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा था पूरा का पूरा। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंथैल्पी चेंजेस क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसके बाद में हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट हैस लॉ। हैस लॉ जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, आज जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी अलग अलग तरीके की रिएक्शन जब होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कंबशन हो रहा है तो उसमें एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एटोमाइजेशन हो रहा है तो उसमें एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है, फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो सारी जो है हम इसके अंदर देखेंगे। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ, जिसने पिछली सीक्वेंसेस की वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको पहले देखना, उसके बाद में आगे बढ़ना। ओके, बिकॉज आप अगर जो है पहले जो है सीक्वेंस बिगाड़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज हर एक सीक्वेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले जो लास्ट वाली है वीडियोज़ उनको देखिए, उसके बाद में इसको देखिए। ओके, चलिए जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको डेल सी एच नॉट से डिनोट करते हैं। एच नॉट यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है, सी जो है वो यहाँ पे कंबशन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्नड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। हमें पता है हमें कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसको क्या कहा जाता है, कंबशन। तो इसके अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, यानी जब एक मोल सब्सटेंस को कम्प्लीटली बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस वक्त जितनी भी हीट रिलीज हुई होती है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जांपल, कार्बन और हमारे पास में ऑक्सीजन को हमने क्या है, हीट किया है, या फिर यूँ कहें कार्बन को हमने बर्न किया है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में बनता है CO2 गैस। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का जो एग्जांपल है ये हमारा कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। वन मोर थिंग, कंबशन रिएक्शन जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सब की सब एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। हीट ऑफ रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के अंदर जो हीट जिसकी हम बात करें, हीट रिलीज हो रही है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल एच आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल एच सी, यानी कि कंबशन जितना हो रहा है रिएक्टेंट का, यानी कि एंथैल्पी का जो यहाँ पे कंबशन जो हुआ है और जो जो एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्टेंट के लिए, उसको माइनस करते हैं एनर्जी जो रिलीज हो रही है कंबशन की प्रोडक्ट के लिए। इन दोनों को माइनस करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है हीट रिलीज। हीट रिलीज यानी कि कंबशन की प्रोसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, हीट जो हमारी रिलीज हो रही है, उसको कहा गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नॉर्मल वैल्यूज है, इसको कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी बहुत ईजी है। ओके, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो डिस्कशन है, ये है कंप्लीट कंबशन के लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारी वैल्यू है वो है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और हाउ वुड यू डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। The amount of heat released when 1 gram of fuel is completely burned in excess, I think पीछे स्पेलिंग गलत थी excess की, AXCESS, देख लीजिए अब स्पेलिंग एक्सेस होती है AXCESS, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होती है। ओके, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, 1 gram फ्यूल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उस वक्त जो हीट रिलीज होती है उसको कहा जाता है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितना भी जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसके साथ में उसकी जो कंबशन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है हमारा, ये वैल्यूज हैं, यूनिट्स हैं, किलो जूल ग्राम इनवर्स या फिर किलो कैलोरी ग्राम इनवर्स इसमें। चलिए सबसे पहले हमारी जो H2 और CH4 है इनको जो है एक तरीके से बेस्ट फ्यूल्स कहा जाता है,
यानी कि जो हमारा H2 और CH4 जो होते हैं इनको एज ए बेस्ट फ्यूल्स कहा जाता है बिकॉज इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, किलो जूल ग्राम इनवर्स, उतनी ही ज़्यादा वो क्या है, बेस्ट फ्यूल होगा। ओके, CH4 जो है उसका ऑलमोस्ट आई थिंक कैलोरीफिक वैल्यू होती है -55 होती है, और 55 किलो जूल ग्राम इनवर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान रखिएगा। H2 और CH4 जो हैं वो हमारे बेस्ट फ्यूल्स होते हैं। कैलोरीफिक वैल्यूज़ क्या बताई मैंने आपको, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, यानी कि हीट रिलीज जो होती है उस पर, मतलब जितनी भी अमाउंट हमारी जो हीट रिलीज़ हो रही है, एक ग्राम का जो फ्यूल है उसको कम्प्लीटली बर्न करते हैं उस वक्त जो एनर्जी हमारी हीट जो रिलीज़ हुई है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, ये थे हमारा टोटल फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कम्बशन ऑफ मीथेन, यानी कि जो मीथेन है उसकी हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ कम्बशन को हमें कैलकुलेट करना है इफ़ अगर हमें क्या गिवन हो, फॉर्मेशन गिवन हो CH4 की, फॉर्मेशन गिवन हो CO2 की, और फॉर्मेशन गिवन हो हमें किसकी H2O की। चलिए इसके अकॉर्डिंग हमें जो है, हमें कैलकुलेट करना है मीथेन का कम्बशन। चलिए वैल्यूज़ पहले हमें देखनी होंगी, आंसर फर्स्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले देखिए हमें रिएक्शन बनानी होगी किसके लिए, कम्बशन ऑफ मीथेन की। तो कम्बशन तो ऑब्वियसली मीथेन का कम्बशन हो रहा है, तो CH4 गैसियस फॉर्म में, प्लस क्या होगा हमारा O2। कम्बशन के लिए हमें पता है कि O2 की रिक्वायरमेंट होती है, उससे क्या बनेगा, देखिए वैसे तो आपको लगभग चीज़ें यहीं से पता चल जाती हैं, तो उससे क्या बनेगा हमारा CO2 प्लस हमारा बनेगा H2O। इसको एक बार जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे है ये 2, तो ये 2 हो गए, तो हम इसको यहाँ 2 कर देते हैं, 4 हो गए हैं हमारे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 और ये 2 4 हो गए हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, हो गया हमारे पास में। ये हमारा गैसियस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ओके, समझ आ गया। अब देखिए वैल्यूज़ हमें क्या क्या गिवन है, हमें वैल्यूज़ गिवन है CH4 की फॉर्मेशन की, CO2 की फॉर्मेशन की, और H2O की फॉर्मेशन की। चलिए तो अब हम, हमारे पास जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो यूज़ करेंगे, डेल H कम्बशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट, सॉरी इट वॉज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एक और चीज़ बता दूं आपको, कम्बशन हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें गिवन फॉर्मेशन है, तो हम फॉर्मेशन को ही यूज़ करेंगे, कम्बशन हमें कैलकुलेट करना है। डेल एच आर क्या हो गया, सबसे पहले रिएक्टेंट्स के लिए लिखेंगे हम, ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास में CH4 और O2 होने चाहिए। ओके, O2 का हमें इसके अंदर गिवन है नहीं, हमें किसका गिवन है, CH4 का। तो चलिए एक बार हम इसके अंदर, कहाँ गई वैल्यूज़, ये रही वैल्यूज़, हम इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए रिएक्टेंट हमें जो गिवन है वो है, रिएक्टेंट हमारे पास में CH4 है, CH4 हमें जो गिवन है वो है -74.8। ओके, उसके बाद में हमारे पास में -74.8, उसके बाद में जो हमें गिवन है CO2 और H2O का, CO2 और H2 की जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ रख देती हूँ मैं माइनस करके, तो वो आएंगी -393.5 प्लस -286। ओके, इतनी वैल्यूज़ है हमारे पास में। इसे जैसे हम थोड़ा सा जो है ओपन करेंगे कि -74.8 माइनस माइनस प्लस 393.5 एंड प्लस माइनस इट्स -286। ओके, इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिएगा, इसकी जो है वैल्यूज़ हमारे पास में ऑलमोस्ट आ ही जाएंगी, और जो वैल्यू हमारे पास में आएंगी उसके आगे किलो जूल मोल इनवर्स ज़रूर लगा देना। ओके, आप कैलकुलेट करना, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, C2H4 प्लस H2C2H6 है, ठीक है, इसकी पूरी रिएक्शन हमें गिवन है, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी पीछे लगाया है हमने। ओके, C2H2 जो CH2 वाला और वो जो डेल एच रिएक्शन माइनस डेल एच प्रोडक्ट वाला जो हमने लगाया है फॉर्मूला, बिल्कुल वही लगा लेना है, और उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, उससे आपको आंसर कैलकुलेट करना है।
ओके ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. ये वाला जो है आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है. मुझे इसका आंसर चाहिए, इसकी वैल्यूज़ कितनी आपने कैलकुलेट की. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है उसको डेल ए एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. ए फॉर एटोमाइजेशन, एच नॉट फॉर एंथैल्पी. ठीक है, एटोमाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको एटम्स के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है. ओके, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट. इसके अंदर हीट क्या है, रिक्वायर्ड होगी. पीछे हमने जो देखा उसके अंदर रिलीज हो रही थी. ऑब्वियसली हमें पता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो द अमाउंट ऑफ हीट required to dissociate, एक मोल का कोई भी सब्सटेंस है उसे स्टेबल मोल में यानी कि गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है हीट ऑफ एटमाइजेशन. चलिए हमारा जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं. H2 जो है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, H प्लस H यानी एटम्स में कन्वर्ट हो गया. उसकी जो है एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा जाएगा डेल डेल ए एच नॉट. NH3 जो है वो कन्वर्ट होगा N प्लस 3 H2 के अंदर, तो वो भी हमारा वही होगा. CH4 जो उसको कार्बन प्लस 4 H के अंदर कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म के अंदर. ठीक है, गैसियस एटम में कन्वर्ट करने की बात हो रही है. तो इसके अंदर जो एनर्जी हमारी हमें रिक्वायर्ड होगी वो होगी 1665 किलो जूल मोल इनवर्स. ओके, इसी तरीके से सोडियम जो है, सोडियम सॉलिड फॉर्म के अंदर इसको हमने क्या है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया है. इस वक्त जो हमें क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 108.4 किलो जूल मोल इनवर्स. ओके, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होती है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल बॉन्ड एच नॉट से. ओके, होता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ गैसेस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसेस एटम. यानी कि एक मोल का मान लेते हैं कोई गैसेस बॉन्ड है इनके बीच में, इसको सेपरेट सेपरेट गैसेस एटम्स के अंदर या फिर यूं कहें कि सेपरेट कर देना इसको, उसके अंदर जो हमें एनर्जी जो होगी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाता है क्या, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल एच टू जो है हमारा, इसके दोनों के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट कर दिया, बॉन्ड अलग कर दिया, तो हमारे पास में दो एच के जो है एटम्स बन गए गैसेस फॉर्म के अंदर. यही है बॉन्ड, इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. इसी तरीके से N2 है. ओके, इसमें 2 जो है टू एन बन जाएंगे, दो एटम्स बन जाएंगे नाइट्रोजन के. इसी तरीके से O2 जो है ये क्या है, दो O बन जाएंगे. देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में फिर भी थोड़ा सा जो है कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. एग्जांपल आप वही ले सकते हैं, आप एक सिंगल स्टिक को तोड़ रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डबल और ट्रिपल स्टिक जो आप तोड़ेंगे उनमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो वो चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. ओके, इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इनमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसमें भी नॉर्मल कम ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ओके, ये है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. कुछ और बातें डिस्कस करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में. बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये. एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. मैंने आपको बताया बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज होती है. ओके, तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ वेरियस बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन देन द वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. यानी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट बॉन्ड्स की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर हमें गिवन हो तो उसकी डेल एच यानी जो उसकी एनर्जी है या फिर यूं कहें कि जो उसकी एंथैल्पी है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एच आर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. बिल्कुल वही जो हम पीछे कंबशन के अंदर कर रहे थे. कंबशन के अंदर हम ले रहे थे क्या, फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. आगे देखते हैं, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन विद अपोजिट साइन. हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया जाता है उसकी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल बराबर होगी किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी के. यानी देख लीजिए हमारा Cl2 है, Cl2 में हमने बॉन्ड डिसोसिएट किया तो Cl और Cl बन गया. इसका मान लेते हैं कि जो एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो x कैलोरी हो गई. जैसे हम इन दोनों को क्या करेंगे, वापस से जोड़ेंगे, फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे, तो इसमें भी बिल्कुल बॉन्ड डिसोसिएशन वाली ही एनर्जी होगी. फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि साइन जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा. ओके, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन और फॉर्मेशन के लिए सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि फॉर्मेशन में जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी. आगे देखते हैं,
इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी. डायटॉमिक के लिए तो इस तरीके से होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए हमेशा एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. कैसे? टोटल बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन, टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है डिसोसिएशन के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड. कितने बॉन्ड डिसोसिएट हुए हैं उस एनर्जी के अंदर, उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है क्या, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी. यही एक प्रोसेस होता है इनको कैलकुलेट करने का. ओके, ये है हमारा बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कशन. इट इज़ वेरी सिंपल. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम किस तरीके से जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये है हमारा एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल H2O है. H2O को जब डिसोसिएट किया गया बॉन्ड, तो H और OH के अंदर ब्रेक हो गया और इसके अंदर जो डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो X कैलोरी हो गई. इसी तरीके से OH को जब और ज़्यादा डिसोसिएट किया गया तो H और O के अंदर कन्वर्ट हुआ और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो Y हो गई. अब इन दोनों की जो एवरेज एनर्जी है उसी को निकाला जाएगा. ओके, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एनर्जी डिसोसिएशन के लिए रिक्वायर्ड हुई प्लस इसके अंदर जो रिक्वायर्ड हुई डिवाइडेड बाय 2. किस लिए, बिकॉज दो तरीके से हमने दो बॉन्ड डिसोसिएट किए हैं. पहले तो बॉन्ड डिसोसिएट किया था एक ये वाला और फिर डिसोसिएट किया एक ये वाला, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया है. ओके, ये था हमारा नॉर्मल प्रोसेस. अब इसके लिए हमारा एक क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमें बनते हैं इसके अंदर वो हम सॉल्व करते हैं. चलिए, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं किस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हैं. सबसे पहले दी बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ H2Cl2 एंड HCl, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो है H2Cl2 और HCl का हमें गिवन है, जो कि है 104.58 एंड देन लास्ट वन इज 103 किलो कैलोरी मोल इनवर्स. यानी कि हमें H2Cl2 और HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जीज हमें गिवन है. हमें कैलकुलेट क्या करना है, फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है HCl का. उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी होगी, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ HCl की रिएक्शन लिखनी होगी. तो हमें देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, H2 और Cl2 गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है उसी से HCl बनेगा. तो हम इसको लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या, HCl. ओके, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 1 है. इसी तरीके से यहाँ क्लोरीन है, हमारे पास में 1 है. तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, गैसियस फॉर्म के अंदर कर देते हैं इसको. तो ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया. ओके, हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस इस तरीके से कर देते हैं. हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस. अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला याद हमने किया था, हमारे पास में क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है. ऑब्वियसली फॉर्मेशन जो हो रही है डायटॉमिक मॉलिक्यूल की है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना था हमें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता तो हम दूसरी वैल्यू लेते. तो डेल एच आर क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट. देखो सब क्या, इन दोनों के आगे हाफ लगा हुआ है रिएक्टेंट के आगे, तो हम क्या करते हैं हाफ को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, तो बॉन्ड हमने पीछे का क्वेश्चन में शायद मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, एक चीज़ आपको बताना भूल गई मैं. ये वाला जो हमने फॉर्मूला किया था, यहाँ पे हमारे पास में H2 के 2 मोल्स हैं. ठीक है, तो हमें H2O का यहाँ पे इंटू 2 करना होगा. सॉरी मैं ये बताना भूल गई, इंटू 2 करना होगा, यानी कि जितने मोल्स लिए हैं हमने, जितने मोल्स इनके आ रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे इंटू 2 करना होगा. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जितने इनके मोल्स हम ले रहे हैं, जैसे स्टोइशियोमेट्रिन की हाफ हाफ आ रही है तो हाफ हमने कॉमन ले लिया है. अब हमारे पास में H2 की वैल्यू कितनी है भाई, 104, और हमारे पास में जो हमारी Cl2 की वैल्यू है वो कितनी है, 58. इनके बीच में तो प्लस ही आएगा क्योंकि ये दोनों तो रिएक्टेंट हैं. प्रोडक्ट जो है उसके और रिएक्टेंट के बीच में माइनस आएगा. बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितनी गिवन है हमें, -103. तो इससे ऑलमोस्ट हमारी जो वैल्यू आती है वो -22, हाँ -22 किलो कैलोरी मोल इनवर्स के अंदर हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाती है डेल एच आर की, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमने निकालनी थी HCl के लिए वो हमारे पास में वैल्यू आ गई है. ओके, ये सबसे पहले आपको रिएक्शन ही देखनी पड़ेगी कौन से क्वेश्चन के लिए किस तरीके से रिएक्शन बनती है. चलिए, ये था हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में. अब बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल जैसे पीछे की वैल्यूज आ रही थी बिल्कुल उसी तरीके से है। द एंथैल्पी चेंज, यानी कि एंथैल्पी के अंदर चेंज हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो, वन मोल ऑफ इट, यानी कि कोई भी सब्सटेंस लिया उसका वन मोल हमने डिसॉल्व किया हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उनका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसमें एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा हो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से। इसको डिनोट किया जाता है डेल SOL H नोट। SOL इज़ फॉर सॉल्यूशन एंड H नोट इज़ फॉर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक जो है हमारा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ए बी जो है सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ए बी सॉलिड फॉर्म में इसको एक्वस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर कौन से तरीके का प्रोसेस चलेगा, इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको डेल एस ओ एल एच नॉट से डिनोट करते हैं, यानी कि टोटल मतलब नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ए बी सॉलिड फॉर्म के अंदर है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने, यानी उनको आयंस में कन्वर्ट करके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इस जो सॉलिड फॉर्म है इसको लैटिस के अंदर यानी उनको आयंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव गैसेस फॉर्म में स्टेबल आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और आयंस के अंदर कन्वर्ट होंगे, ए पॉजिटिव में हो गया बी नेगेटिव में हो गया, और इस टाइम जो हमारे कहते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हमारे सॉलिड से लेके इसको स्टेबल गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाता है डेल लैटिस एच नॉट। लैटिस का मतलब ही क्या होता है कि भाई इस तरीके से हमारा कोई स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इस तरीके से आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं क्या, उसको कहा जाता है लैटिस, ओके, यानी कि लैटिस आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो हमने क्या कर दिया, इसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे आयंस गैसियस फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में हमें इन्हें लाना है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको हाइड्रेट करना पड़ेगा, हाइड्रेशन करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो हाइड्रेशन करेंगे, जैसे इनका हम क्या करेंगे, जैसे हाइड्रेशन करेंगे तो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस टाइम जो हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाएगा डेल एच एच वाई डी। HYD का मतलब है हाइड्रेशन, H नोट जो है वो एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से सुन लीजिए कि हमारा जो AB तरीके का कोई हमारा क्या है, सॉलिड है, उसको हमने क्या करना है, आयंस में कन्वर्ट करके एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही हमारा प्रोसेस है किसका, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। तो ये दो मतलब ये अपना जो प्रोसेस कंप्लीट करता है वो प्रोसेस ये वाला है, ठीक है। मतलब पूरा चलता तो ये रिएक्शन है, लेकिन ये होती किस तरीके से कंप्लीट है ये इस तरीके से दिखाई गई है। तो डेल लैटिस एच नॉट, यानी हम इनको क्या है, लैटिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आयंस में कन्वर्ट करेंगे, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये गैसियस फॉर्म हो गई इनकी, इनको गैसियस फॉर्म को हमें एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही एक्वस फॉर्म में आएंगे तो हमें इनका क्या करना होगा, हाइड्रेशन करना होगा। तो हाइड्रेशन के लिए एच वाई डी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हो गई डेल एच वाई डी, एच वाई डी इज़ फॉर हाइड्रेशन, ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब एक बार आपको मैं इसकी जो है बता देती हूँ कि किस तरीके से लैटिस को डिफाइन किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यानी एनर्जी जो होगी किसी भी आयनिक कंपाउंड की, विच अकर वेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इंटू इट्स आयन इंटू गैसी स्टेट, यानी कि कोई भी एक मोल का हमने क्या लिया है, आयनिक कंपाउंड लिया है, एक मोल का आयनिक कंपाउंड लिया है, उसको हमने क्या किया है, उसके गैसियस स्टेट्स के अंदर आयंस की फॉर्म में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम पे जो एनर्जी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है लैटिस एच नॉट, यानी कि लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब ये जो हमारी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है डेल एस सॉल्यूशन एच नॉट, यानी जितनी लैटिस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है प्लस जितनी हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, यानी जैसे इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू जो है ये आ जाती है। यही मेथड है जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का। समझ आ गया भाई, ये थे हमारे आज के प्रोसेसेस। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद में हमने क्वेश्चन किए दो, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला जो है ये होमवर्क दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ओके। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एटम्स गैसियस स्टेबल आयंस में, यानी कि स्टेबल गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने को एटमाइजेशन कहा। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन, BDE का मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी, ओके। उसके बाद में हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टाइप्स पढ़े, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या किया, एक एग्जांपल पढ़ा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, एक क्वेश्चन किया हमने बहुत सिंपल सा। उसके बाद में हमने जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमारा बॉर्न हेबर साइकिल के जैसा होता है, ठीक है, किसके जैसा, बॉर्न
हेबर साइकिल के जैसा। अगर आपको बॉन हेबर साइकिल समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैम हमें बॉन हेबर साइकिल समझना है, तो मैं आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के बाद हमारी ये हमारा थर्मोडायनेमिक का है पार्ट नंबर 10th, इसके बाद में आएगा पार्ट नंबर 11th और थर्मोडायनेमिक कम्प्लीट। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि मुझे वोटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि सबको केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा पढ़नी है, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूँगी मैं इस चैप्टर के बाद में। 11th एक वीडियो आएगी, वो शायद से कल आ जाएगी, 11th वाला जो पार्ट है वो कल मैं अपलोड कर दूंगी। फिर जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगी थर्मोडायनेमिक्स के बाद वो होगी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा वरना बहुत गलत बात हो जाएगी। ओके, और प्लीज़ जो है इसे इतना ज़्यादा शेयर करिए कि सबको अच्छे से समझ आ जाए कि ये टॉपिक क्या है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें ये वीडियो है, ये प्रॉब्लम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।